नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जागर। राजस्थान में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। जयपुर के बाद अब राजस्थान के राजसमंद में खेत पर जा रही महिला के दोनों पैर काटकर चांदी की कड़ी निकालने की घटना सामने आई है। विरोध करने पर महिला के गले पर भी वार किया गया, जिसकी वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद के चारबुजा थाना क्षेत्र के अमरतिया गाँव में सोमवार को 45 साल की कंकू बी का शव खेत में लहूलुहान पड़ा मिला। धारदार हथियार से दोनों पैर काट कर चांदी के कड़े निकाले हुए थे और पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि लुटेरे से महिला ने काफी संघर्ष किया। कंकुबाई सुबह सुबह अपने पति को खाना देने के लिए खेत पर निकली थी, मगर जब पत्नी खेत पर नहीं पहुंची और पति भूखे घर आया तो बच्चों ने बताया कि वह तो सुबह ही खाना लेकर खेत पर निकल गई थी। तब परिजन तलाशने निकले तो देर रात तक कहीं कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद चारबुजा थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि खेत में पेड़ के नीचे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि एक संदिग्ध को घटनास्थल पर देखा था। राजसमंद SP शिवलाल ने बताया कि पुलिस ने नाथद्वारा और अमरतिया चारबुजा की हत्या के संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। गौरतलब है कि कुछ देर पहले जयपुर में इसी तरह से खेत में पशु चराकर आ रही एक महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए गए। क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार है कि अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया? राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा पैरों में और हाथों में चांदी के कड़े पहनते हैं और उसके बाद ये सब होना बहुत ही शर्मनाक है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।